अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो यकता उला शरीक है, ऐसी गवाही जिसका खुलूस परखा जा चुका है और जिसका निचोड़ बगैर किसी शायबे के दिल का अकीदा बन चुका है। जिंदगी भर हम इसी से वाबस्ता रहेंगे और इसी को पेश आने वाले खतरात के लिए जखीरा बनाकर रखेंगे। यही गवाही ईमान की मजबूत बुनियाद और हुस्ने अमल का पहला कदम और अल्लाह की खुशनूदी का जरिया और शैतान की दूरी का सबब है। और ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अब्द और रसूल हैं, जिन्हें शोहरती याफ्ता दीन, मनकूल शुदा निशान, लिखी हुई किताब, ज़ौफ़िशान नूर, चमकती हुई रोशनी और फैसला कुन अमर के साथ भेजा, ताकि शकूक को शुबहात का इजाला किया जाए और दलाइल के जोर से हुज्जत तमाम की जाए, आयतों के जरिए डराया जाए, उकूबतों से खौफ जदा किया जाए। उस वक्त हालत ये थी कि लोग ऐसे फितनों में मुब्तला थे जहां दीन के बंधन शकिस्ता, यकीन के सुतून मुतजलजल, उसूल मुख्तलिफ और हालात परागंदा थे, निकलने की राहें तंग तारीख थी, हिदायत गुमनाम और जलालत हमागीर थी, खुले खजानों अल्लाह की मुखालिफत होती थी, शैतान को मदद दी जा रही थी, ईमान बेसहारा था, चुनाचे इसके सुतून गिर गए, इसके निशान तक पहचानने में ना आते थे, इसके रास्ते मिट मिटा गए, शाहराएं उजड़ गईं, वो शैतान के पीछे लगकर उसकी राहों पर चलने लगे, उसके घाट पर उतरे, इन्हीं की वजह से इसके फरेरे हर तरफ लहराने लगे थे। ऐसे फितरों में जो इन्हें अपने समो तले रौनते और अपने खुरों से कुचलते थे और अपने पंजों के बल मजबूती से खड़े हुए थे, तो वो लोग इनमें हैरान और सरगर्दा, जाहिल और फरेब खुर्दा थे, एक ऐसे घर में जो खुद अच्छा मगर उसके बसने वाले बुरे थे, जहां नींद की बजाय बेदारी और सुरमे की जगह आंसू थे। इस सरजमीन पर आलिम के मुंह में लगाम थी और वो जाहिल मौजिज़ और सरफराज था। इसी खुतबे का ये हिस्सा अहले बैते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो सिर्रे खुदा के अमीन और उसके दीन के पनहगा हैं, इल्मे इलाही के मखज़न और हिकमतों के मर्जा हैं, कुतबे आसमानी की घाटियां और दीन के पहाड़ हैं, इन्हीं के जरिए अल्लाह ने इसकी पुश्त का खम सीधा किया, इसके पहलुओं से ज़ौफ की कपकपी दूर की। इसी खुतबे का ये हिस्सा जो दूसरों के मुतालिक है, मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने फिस्क व फुजूर की काश्त की, गफलत व फरेब के पानी से इसे सींचा और इससे हलाकत की जिंस तैयार की। इस उम्मत में किसी को आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कयास नहीं किया जा सकता। जिन लोगों पर उनके एहसानात हमेशा से जारी रहे हों, वो उनके बराबर नहीं हो सकते, वो दीन की बुनियाद और यकीन के सुतून हैं। आगे बढ़ जाने वाले को उनकी तरफ पलट कर आना है और पीछे रह जाने वाले को इनसे आकर मिलना है। हक के विलायत की खुसूसियात इन्हीं के लिए हैं और इन्हीं के बारे में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत और इन्हीं के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है। अब ये वक्त वो है कि हक अपने अहल की तरफ पलट आया और अपनी सही जगह पर मुंतकिल हो गया। हुवल्लाह।